बाबा जोगिया हो राम। सुपर कैसेट टी सीरीज की ओर से विजयलाल यादव और साथियों की आवाज में एक आध्यात्मिक गीत हमारे बड़े भाई प्यारेलाल कवि जी ने हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे आवाम में जो एक बहसत की हिंसा भड़क गई है इसको देखते हुए कवि जी ने लिखा है, जरा गौर फरमाएंगे कि जग में यह जीवन अनमोल मूरख अब से अखिया खोल कर ले राम भजन हो जाई है बेड़ा पार। भजन भाव भक्ति भजन एक शक्ति ऐ दुनिया वालों, भजन एक युक्ति जो सतपथ दिखाए, भजन एक कश्ती। कौन कश्ती? नैया में का नहीं, वो जिंदगी का कश्ती, वो जीव का कश्ती। जौन जीव उद्धार होखे बदे ऋषि मुनि पहाड़न की गुफा में बैठ बैठ के हजारों हजारों साल तपस्या कैलन। भजन एक कश्ती, भजन एक हस्ती, भजन एक मस्ती हृदय से जोगाए, करोड़ों की चाहत में आहत है जीवन, भला कैसे राहत माया में पाए। भव सिंधु की धार इतनी अगम है, अधम जीव तब पार कैसे हो जाए। कवि जी कहत हूं भव सिंधु की धार इतनी अगम है, अधम जीव तब पार कैसे हो जाए। केहू धन लुटावेला, केहू दान करेला, केहू गरीबन के देख के दुखित हो जाला, दुखी आदमी के देख के दुखित हो जाला, केहू सुखी आदमी के दुख पहुंचावे में ओके सुकून मिलेला। ए पीढ़ी में वैसन आदमी के धरती पर अगर राक्षस का उपाधि देहल जाए, रावण के खानदान के बतावल जाए तो कम नहीं हो, इशारा हो। ए आवाम के कवि जी लिखत हूं एक भजन के भाव बान रे मन पंछी हरि नाम भजो, रे मन पंछी हरि नाम भजो, तन मन से सिया पर राम भजो, अरे दिल में सदगुरु का ध्यान करो, अधम मन जल्दी जोग में तप में साधना में वंदना में अर्चना में रमता नहीं है, लेकिन चेतावनी है दिल में सद्गुरु का ध्यान करो, दिल में सद्गुरु का ध्यान करो, दिल में सद्गुरु का ध्यान करो, अरे कुछ दया धर्म कुछ दान करो, सतनाम
सुबहो साम भजो सतनाम तू सुबहो श्याम भजो तन मन से सिया पर राम भजो अरे हरि ओम तू आठो याम भजो मायावी धन ई दौलत ई काह मायावी धन सब काला है मायावी धन सब काला है मायावी धन सब काला है ओ ओ धन सब काला है माया बे धन सब काला है अरे कुछ साथ न जाने वाला है इसलिए ऐ मूरख हरि ओम तू आठो याम भजो हरि ओम तू आठो याम भजो तन मन से सिया पर राम भजो लार ला लारे एक दिन की बात भजन गाते हुए साधु अलख जगाए एक साधु बाबा भजन गावत चलन भजन गाते हुए साधु अलख जगाए गए एक गांव में मुखिया के द्वार आए कहे मुखिया से का माया में बुलायल बाटा बाबा पहुंचे मुखिया से कहो मुखिया जी कहो हाँ जी ठीक बा कहो खूब निमन बनी जी मैंने कितना लूटा था नहीं तो ना भाई मैं होते नहीं खे कुछ अच्छा मत लूटी लेकिन एगो चीज लुटावल जाता रउआ के लूट ले का चीज लुटावल जाता भाई बाबा कहन मुखिया से का माया में भुलायल बाटा साथ ना जाई कुछ के करे पर धधायल पाटा बीतल बचपन जवानी बीतल मौज मस्ती में बचल उमर बीतौला मुखिया भजन भक्ति में ए मुखिया जी हई उमर जो बचले के भक्ति में बीताला कहे मुखिया जी बाबा कहे मुखिया जी बाबा काम गड़बड़ा जाइए कहे मुखिया जी बाबा काम गड़बड़ा जाइए रब ना हम अगर तो लैका मोर बिला जाइए जवन चाही लेके जा इकुल बीपत यहाँ मत माछा ना रहा हमार लड़का बिलाजे हैं हेतनी लंबी चौड़ी खेती हेतना लंबा चौड़ा गृहस्थी के संभारी बैठ के अगोरब लड़का मौज लिए हो ना मनबा कहा तू अपन काम करा जो मांगे जो मांग के खा पिया तू यहाँ से जा यहाँ नाटक मत नफासत मत बतियावा जा इशारा करत हूं फिर कहन मुखिया जी बाबा बुरा मत मनिया तर्ज लगल कोनो दुल्हन अबहिन नहीं रहल अपने अपने दुल्हा के अपने साड़ी के आंचल में बांध के रख एक रोटी कम खाई आधे पेट खाई बाकी बिताई संगो में कहत रहल का कहत रहल कि घास गड़ा बुखेत में चराई चाहे बकरी अपने बलमा से
अपने राजा से कराइब नाही नौकरी, 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 अपने राजा से कराइब नाही नौकरी। ए बाबा फालतू बकवास करवा, आई जन चाहिए तो लेके जा कहलन का कि रहब नहीं हम ता, रहब नहीं हम ता, चली न कष्ट करी केहू नहीं मोर घरवा संभारी, केहू नहीं मोर घरवा संभारी, केहू नहीं मोर घरवा से नहीं होई खेती बारी, हमारे लइकन से नहीं होई खेती बारी, हमारे लइकन से नहीं होई खेती बारी, बैठल रहब खाली अगोर अब दुआरी, बैठल हमर घर ना समर पाई। बाबा तू जा रहब नहीं हम ता, चली ना कष्ट करी केहू नहीं मोर घरवा संभारी, केहू नहीं मोर घरवा संभारी, इशारा कर तुम सुना कह बाबा बात जब न दिल में उतरबा, कह बाबा बात जब न दिल में उतरबा, ई जन्म बिगड़ल अगला भी बिगड़बा, जन्म के लिए कुछ बना ला, मौका नहीं काम से पवन नर नारी, राम के भूला के देल जन्म बिगारी, हमारे लड़कन से हमारे बचवन से, हमारे लड़कन से होई ना खेती बारी, हमारे लड़कन से होई ना खेती बारी, हमारे साधु बाबा दे मुखिया को उपदेश, मरा है मुखिया कुछ दिनों में, बाबा को मिला संदेश, बहुत समझौलन, कुछ दिन के बाद मुखिया जी मर गेलन, बाबा के संदेश मिलल, चल रहन कलन चलिए देखी रहला तो बड़ा चिंता रहे कि लैकन से खेती बारी ना कुल अकेला हम भेड़ा के करब, तन इनके घरे तनी देखी बिरहा में तर्ज बदल गेल बा, कौन तर्ज है तर्ज है बाम, अरे साड़ी हम ना पहिनब राजा, साड़ी हम ना पहिनब राजा, रेलिया कई ड्राइवर साड़ी हम ना पहिनब राजा, रेलिया
बाबा, फिर से आई गई न हो बाबा, मुखिया के दुवरिया फिर से आई। जब लगावा बाबा ध्यान में देखायल, आप बैल बन के मुखिया हवन खूंटा में बंधायल। अरे आई गई ले हो बाबा, अरे मुखिया के दुवरिया बजरे आई। बाबा जब दुआरे अलन तो देखल बुढ़ऊ तो मर गल, लेकिन बैल बन के खूंटा में बन्हा लू। बाबा समझ गए, अरे रे 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 का हो पगुरी मठत हुआ काम, इशारा मुड़ी हिलावत हुआ, बुढ़ऊ बैल बन के खड़ा हुआ दुआरे पर खूंटा में बनल हुआ, मजे का जोत के आल हुआ, सब पानी वानी भैना देखल हुआ, कल कहा हाल है मुड़ी हिलावत हुआ, बिरहा में भाव लगे। तर बुल्लू गुरुवाई लगे कि कचौड़ी गली सुन कैल रोज, मिर्जापुर के कैल गुल जोर तर झल। लेकिन कवि जी भाव लिखत मन कैसे कि बैला बन के आई गैल मुखिया, बतिया हमार तू भूल गैला, बैला बन के आई गैला मुखिया। बहू से अपन खुंटा पगा तोरा, सुना है खुंटा पगा बो से तोरावा, अचल क्या गुरु धाम के तू फेरिया लगावा, लेकिन बैला बन के गईल मुखिया, अमारा में तू आके गुरु गईल, माला में तू आके पुलाई गईला, बैला बन के आई गईला मुखिया। पहला रूपी मुखिया बात कहत ना लजैले, बैल बन के मुखिया खड़ा हुआ साधु बाबा से इशारा करत हूँ, आगिला तू फिर खेत ना जोतायल अभी, अरे गेहूं ना बोवैले, लेकिन बैला बन के आई गईल मुखिया, हमके भुलावावे खातिर आई गईल। का मर्दवा हमारे दुआर तुम्हें मिले था, अरे मुअली बैल बन के आई तो लड़कियन के खेत जोतत है, अब गेहूं बोई बन कर हटा चला फूक के सिंह तोरा के जब छटकल हाँ। बड़का लड़का घर में से निकल कर जाई बरधा कैसन छटका था, बाबा हेर बैठा था एक दुई गोजी चाह थे बड़का था, इशारा करत हूँ साधु बाबा का हो सुनत हुआ, कहाँ कुल साहब तू हटा यहाँ से, बिरह में तर्ज लग गई। बिरह में भाव बड़ा ऊंचा लगल मास्टर, कैसे वह गीत बा के तूने कैसा रचा भगवान, अरे तूने कैसा रचा भगवान खेलौना माटी का, तूने कैसा रचा भगवान खेलौना माटी का। कवि का नसीहत पूर्ण बात हो,
जब तक ना है सच्चा ज्ञान, अरे जब तक ना है सच्चा ज्ञान, ज्ञान सब झूठा है। जब तक देगी परख नहीं लख चौरासी, गले पड़ेगी ब्रह्म की फांसी, अरे नहीं होगी असल पहचान, नहीं होगी असल पहचान, ज्ञान सब झूठा है। देके उपदेश बाबा चललन दुअरिया से, बल रूपी मुखिया के ना भजल गिनवा, कुछ दिन बाद हो तजलन शरीरिया हो, पौल वही बारे तब कुत्ता के जन्मवा। तब बीतल समय कुछ बाबा फिर आई गईल, देख वही दुआरी आप धाई के दिया, तीसरा जन्म मुखिया कुत्ता बन के आयल बाटन, टंगरी झुलाइल रगल बिना रे भोजन। बैल रूपी मुखिया का दूसरा जन्म बैल का वही दुआरे, अब कुकुर बन के वही दुआरे बैठल, बैलो मर गए, कुत्ता के शरीर पागल हूं, शरीर सुखा गए दुआरे बैठ के, जन तो माछी न रेंगल धेल चाहत हूँ, हमारे लेकिन घर है बिरहम भाव बाम। अरे मोरे राम हर जाई माया छोड़ी ना तो है, राम से काम बनी सदगुरु से मिली सच्चाई। राम से काम बनी सदगुरु से मिली सच्चाई। स्वान रूप में उस मुखिया से बाबा बोले जाकर खास, स्वार्थ या माया में फंस के तीन तीन जन्म तू कैला नाश, संग न दहले तुहार के हु जकरे पर तू कैला विश्वास, आ सुन के तू सत्संग कहीं खाला प्रसादी बन के दास। कहीं जाके सत्संग संग सुन के प्रसादी खाला जन्म बन जाई। विराह में तर्ज लग गई कैसे, अरे कुत्ता कह कर तब निभाई, अरे कुत्ता कह कर तब निभाई, मोकिला रात भर सबके जगाई, कुत्ता कह कर तब निभाई, कह ना मन बाजा पहपट के लाइन लगल कैसे। अरे दई के शिक्षा बाबा तौने छनावा मनावा धूमिला बाम, अरे ले अपने कुटिया के दरमियानावा मनावा धूमिला बाम, मोह के जीव समझ ना पावे हो, असल छोड़ के सदा नकल पर व्याकुल होई के धावे हो, कुछ दिनों पर कुत्ता छोड़ तनावा मनावा धूमिल बाम, चौथे यानी का कहिले तब पजनावा मनावा धूमिल बाम। तीसरा जन्म पहला मुखिया रहलन, बैल भैलन, कुत्ता भैलन, तीसरा जन्म का तैयारी करत हूं, घर छोड़े के तैयार ना हूं, दिलहा में भाव लगल। अरे जब लाना जीव मुक्ति द्वारा सही पई, तब ले यही माया में हो यही हा बारंबार,
सोचा साधु बाबा चल फिर से दुआरा वा। कौन चीज का जन्म मुखिया बोला चौथी बार दुआरे पर देखल लगाई के धियानावा अरे बन के सर पर परल बात धरती के मझार चौथा जन्म जब देखल तो सर्प बन के कोई धरती में जन हो कौन परल हो फन फैला के बैठे धरती के भीतर ए भाई फन फैला के बैठे धरती के भीतर अरे गलल धनवा के जो कि बन के पहरेदार बाबा झट घर के मलिकार के बोलावल घर के मालिक के बोलौलन बड़का बेटवा के कलम भैया तोरे घर में तो बड़ा धन बा वही धन पर फन फैला के उ मुखिया चौथा जन्म सर्प बन के बैठल हुआ गोरत के ये मेरे लइकन के धन है बाबा इशारा करत हुआ का धन का सूचना धन लेकिन एक सर्प हो या गोर धनवा के अरे मरिया जी ना उनके हो पूर्वज तोहार वादा करके घर का दीवार खनल गई ली वादा कह के भैया मरिया मत पर तुहार पूर्वज बैठल हूँ घर के दीवार खनल गई आ जब वहीं फटकार के उस सर्प फटकार के ऊपर बैठल हो उ तो चौथे जन्म का मुखिया तान के बड़का लड़का लाठी मार दलस घायल सर्प तो पिटकंड पर लगल छपटिया तो साधु बाबा कहना का हो अब वहीं कुछ ज्ञान भयल इशारा करत हूँ का सर पर मुखिया कहा वो बारा है गुरु तक बिगड़ल चार जन्म अगिला जन्म सुधारा ये गुरु गोद में उठा के बाबा मंत्र सिखलाए सिर सहला के उनके मुक्ति तब दिलाए अब ना हो गलती फिर दोबारा ये गुरु बिगड़ल चार जन्म अगिला जन्म सुधारा ये गुरु तारन तार भयल बिना गुरु के ज्ञान के न कोनो ज्ञान हो आ न जीव को मुक्ति है आखिरी लाइन हो गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल मोर बांका स्वर्ग चंद का कवि बच्चन का विजय पताका हर जाई माया छोड़ी ना तो है विजयी प्यारे लाल जा सदगुरु नाम भुलाई हर जाई माया छोड़ी ना तो है पुत्र की होती वृद्धि पिता कर्म से
नारी धर्म से पुरुष मोक्ष पाए, माता की ममता की क्षमता बड़ी है, असल प्यार पाके ललन मुस्कुराए, कुंती थी कुंवारी जन्म दी करण को, अपवाद की डर से जल में बहाई, गया सूत के घर करण वहां बेचारा, पूजा करे रब की भक्ति जगाई। एक बड़ा सुंदर प्रसंग साइड बी में प्रस्तुत बाम, गीत बड़ी पुरान लगल लेकिन आज भी मैं नई गलचक हूं। अरे पानी में आगी, अरे पानी में आगी, लगावल न जाला, पानी में आगी लगावल न जाला, कबो दिल से दिल के जरावल न जाला, पानी में आगी लगावल न जाला, कबो दिल से दिल के अरे जरावल न जाला, पानी में आगी लगावल न जाला, कबो दिल से दिल के जरावल न जाला। नदी के किनारे पुकारे सवेरे सवेर, कबो दिल के हुके, कबो दिल के हुके दुखावल न जाला, कबो दिल के हुके अरे दुखावल न जाला, बस पानी में आगी अरे लगावल न जाला, कबो दिल के हुके करण सूत पुत्र माना गया। हकीकत क्या है आप जानते हैं, नदी के जल में प्रवेश करके करण और ध्यान मग्न है, जल अंजली में उठाया, छिटकी है जबकि सूरज, छिटकी है जबकि सूर्य की ललाई, दरस हे सूरज देव आई, अरे दे दो दरस हे सूरज देव आई, रहिया निहारे, अरे रहिया निहारे सवेरे सवेरे, रहिया निहारे सवेरे सवेरे, रवि को पुकारे अरे सवेरे सवेरे, रहिया देवता सोचे लगलन कि लड़का हमारे बा पालन पोषण चाहे जहां भी कर भय, दर्श दे दिए प्रकट हुए, आंखें खोलो क्या चाहिए, क्या मांगना चाहते हो, विराह में ठे नई तर्ज लग गई। ये हमारे बड़े अजीज मित्र विमल जी का एक नया कैसेट प्रस्तुत बाम, हमारे देख रेख में, जमने कैसेट का नाम बाम जाड़ा कैसे जाइए। वही कैसेट का गीत बा, छम छमक छमक छमकावा, छम छमक छमक छमकावा, गोरी जिन हमके बहकावा, छम छमक छमक छमकावा,
गोरी जिन गम के बहकावा लाली लाली वड़गनी ओढ़ा दा बोला दा कही के आई लव यू लाली लाली वड़गनी ओढ़ा दा बोला दा कही के आई लव यू रहा में तर्ज हमरे साथी बिमल जी का कैसे टावत बा हम के उम्मीद बा आप लोग पसंद करबा लेकिन बिरहा में कवि जी लिखत उन काम कवच कुंडल थमावल चाहत हूं सूर्य भगवान कर्ण कह रहा है क्या जन कुंडल हमें थमावा जन कुंडल हमें थमावा बस सिर पर हाथ घुमावा जन कुंडल हमें थमावा बस सिर पर हाथ घुमावा हमार बिगड़ल जन्मवा बनावा लगावा गले नाथ हमके हमार बिगड़ल जन्मवा बनावा लगावा गले नाथ हमके देव जनकर इनकार तू बोले हसरत इनकार तू बेटा उपहार मोरा करा स्वीकार तू बेटा उपहार मोरा लातन पर इसे सजावा लेतन पर इसे सजावा तू आपन जान बचावा लेतन पर इसे सजावा तू आपन जान बचावा जाके वीरता तू रण में दिखावा लगावा गले नाथ हमके जाके जब तक तुम्हारे शरीर पर रहेगा हम बाबा दुश्मन की दाल नहीं गलेगी बा। इतना कहकर सूर्यदेव हो गए अंतर ध्यान करण कवच कुंडल लेकर मन में करे गुनान कवच कुंडल लेकर के करण मन में गुनान कर रहा है सोच रहा है क्या? दर्शन ध्यालन मालिक और ऐसन चीज दे गेलन कि दुश्मन के दाल सचमुच नहीं गली बिरहा में तर्ज लग गई एक ठे आजकल के जमाने का ये बात लिखल गई ये घर घर के बात लिखल गई इतना एडवांस दुनिया हो गई कैसे अरे मारा गुस्सा के फेकली मारे गुसड़ा के फकली को पलौरी प्लेट जबले सेट न रही जबले सेट न रही तो बबुनी पढ़े जइहन ले जबले सेट न रही बिरहा में कवि जी बड़ी सुंदर लाइन लिखत हूं कैसे मनवा में सोचा इंद्र हो मनवा में सोचा इंद्र देव उस बार रण में मार जाई है रण में मार जाई है अर्जुन बेटा वह मार रण में मार जाई है अपने लड़का के कवच कुंडल दे देलन सुरक्षा करे बदे वही से भय बा अर्जुन के इंद्र जी सोचत हो तो लड़का हमार मार जाई तब करण के बाते खाली क
करण कबाटे खाली अर्जुन दुसु मनवा रण में मार जाई है तैयार जुन बेटा वा हमार रण में मार जाई है ब्राह्मण के भेष बना करके इंद्र जी चल दे तो बड़ा गड़बड़ हो गल गैलन जा करके जय जयकार मचाते हुए खड़ा हो गए इशारा कर रहे हैं बड़ा नाम तेरा सुना हूं बड़ा दानी बनते हो जो भी तुम्हारे दरवाजे से आता है खाली हाथ नहीं जाता करण हाथ जोड़ के खड़ा हो गया सरकार अपन बात बतावा इतना हम जो तुम गोली या टिकिया देने का क्या जरूरत है हम कुछ ना है आप अपनी बात अपनी गरज बताइए क्या है आपकी गरज है तो झुकी के करण धारे ब्राह्मण के चरनिया हो स्वागत में हाजिर हुए नाथ मोर पारण जान दे जान लेबा आंख ढबढी आ गई छल कर गल हूं कितना धोखा करण के साथ हुआ है हमारे विरह में स्पष्ट हो जाएगा गौर करेंगे चरण पकड़ लिया जान हाजिर है सरकार मांगीला तू हमारा से जवन हो वही मना मामी ब्राह्मण रूपी इंद्र बोले कर्ण के सामने तन का कवच कुंडल दे दा तू दनवामी करला करण वीर मन में गुण देना चाहते हो ये अपने शरीर का कवच कुंडल हमें दे दो आप ब्राह्मण हुआ योद्धा के एकर जरूरत है आपकी कर कौन जरूरत है सरकार का नहीं देना चाहते हो तो दो अन्यथा मैं अपनी बात वापस लेता हूं जाता हूं कर्ण का ए ब्राह्मण देवता ऐसा कतई नहीं हुआ है न होगा सुनो कवच का जरूरत कौन महाराज तो है हमारा से मांगी ले बा दूसर कुछ मांगना वा पूरा हम उपदेश और नसीहत देले का और समीक्षा के लिए जरूरत नहीं हो अरे मोरे राम समीक्षा की जरूरत है नहीं अरे मोरे राम समीक्षा की जरूरत है नहीं पूरा हो न तो से यही ब्राह्मण का इच्छा तो से ब्राह्मण की इच्छा पूरी ना हुई जा थी महाराज रुक जा हट पर उतरे इंद्रदेव तब किया करण है पूरी चाह हट पर उतरे इंद्रदेव तब किया करण है पूरी चाह हटा दिया वह कवच बदन से दिया दान में भर उच्छा हसे इंद्र तब अमोघ शक्ति सरदे डाले देत सला अमोघ शक्ति के बदले में बचाओ हम कुछ देते ही अरे होड़ लगा के नाम पर जिसके होड़ लगा के नाम पर जिसके छोड़ोगे होई जई हम तबाह अरे छोड़ोगे होई एक दुश्मन होड़ लगा करके जिसका नाम लेकर के अमोघ शक्ति छोड़ दोगे वह दुश्मन इस दुनिया में तबाह हो जाएगा नहीं बच पाएगा नहीं बच पाएगा धन्य है दानी वीर धन्य है ब्राह्मण देवता के भेष में इंद्र जी कवच कुंडल लेके चल दे अरे तही आठन लड़ाई डटलन
जहिया थन लड़ाई डटलन मरद नवा हो चवनवा ताने धनुषाय बनवाना वीर मरे बलसानी जहिया कर्ण समर में धाए बलि के शैल्य सारथी आए कांपन लगे हैं अर्जुन कैसे कांपन लगे हैं अर्जुन कैसे बचे हैं जानवा हो चवनवा तन धनुषाय बनावाना बचे हैं जानवा हो चवनवा तन धनुषाय बनावाना संग्राम लड़ाई के मैदान में छिड़ गया है। कटकट करके लाशें गिर रही है। चारों तरफ कुरुक्षेत्र की धरती लाल नजर आ रही है। इस गेम के इस मेन संचालक भगवान श्री कृष्णचंद मुरली मनोहर बैठ करके अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जैसा कि आपने टेलीविजन पर देखा है, पढ़ा है, सुना है, यह मेरा ग्रंथ भी बताता है, विरह में तर्जमा। कभी तो हमारी गली, अरे कभी तो हमारी गली आओ श्याम, हमें भी मुरलिया सुनाओ श्याम। थर अर्जुन जी कहां पथ रे बाप रे बाप, वो जोन बाण ठे देख गल हुन एक ठे बाण बाम अमोक शक्ति, अगर हमार नाम लेके छोड़ दे तो तबाही है तबाही है, मर जा हम चिल्लात हुन प्रभु का कहत हुन। बोले बोले हजार अर्जुन तनी आवा घन श्याम, बोले हजार जुनिया आवा घन श्याम, हमारो पर नवा बचावा श्याम। जल्दी है वाई सारा कर फोन का बोले कधैया, बोले कधैया घटोत्कच के बोलावो, बोले कधैया घटोत्कच के बोलावो, बोले कधैया घटोत्कच के बोलावो। अकोर शिविर में जाके गर्मी फैलावो, करो दुर्योधन की, करो दुर्योधन की नीति जाकर हमारो पर नवा बचावा। दुर्योधन की नींद हराम कर दे, एक आदमी है जो तुम्हारी जान बचा सकता है, कौन? घटोत्कच। भीमो जी बहुत खुश हो, अरे हमारे लिका इतना बलवान का, हमारे लिका हमन के जान बचाई का, ना पता हूं भगवान का यह गेम है। अर्जुन के बचाव में एक जाने के बलि चढ़े के पड़ी, पापड़ के भाव बा। आयल है भैया घटोत्कच, आयल तो कैला सका,
अरे शिविर में कारा दल के बा महामारी कवन बीमारी बाप, अरे परेशान हो गई लन कुल बलकारी कवन बीमारी बाप। तनी गर्मी फैलौलस तनी गर्मी फैलौलस कि केहू के उल्टी दस्त केहू के केहू जाला बहरे हो केहू ले लोटा के पानी अब बैठ खेत में कह रहे हो केहू भरे दौड़त बान केहू ले के लोटा के पानी काखत बाया जना थे आंख नस टूट जाई। अरे बाप रे बाप ई का हो गया अमोग शक्ति छोड़ा एक आदमी ए बीमारी से बचा सकला के करण बुलाया दुर्योधन कर कौन दिन रात खाती रखे लो कुल बीरवे मतलब आप छेर पों के मर जाना जल्दी कौन उपाय करा कहना हो काम अमोग शक्ति छोड़ा कर्ण बलकारी कवन बीमारी बा अब मरा घटोत का झसन लगे बनवारी कवन बीमारी बा। पलले हुआ कौने दिन रात खाते जल्दी करा नहीं तब देखा कुल बीरवे मर जाना लेकिन लोटा के पानी लेके खेते में कहरत बा केहू धाय के पेट सुहरावत बा भीतरन केहू के उल्टी होत बा केहू के कम से कम पचीसो दस्त हो गई बा देह में कुछ अब दमे नहीं रह गई ये लड़ी है का भैया दिन जैसे जे रात भर आराम करे बदे मिलल तो माल पानी दे के अपन शरीर के ठीक रखी और रात भर छेड़ते पोंकत बा बिहाले लड़ी का लिए कहना हो कभी का कैसे आई कभी जी धोखाधड़ी गिनौले हमन करण पर कैसे मास्टर। अरे पहला धोखा कैली करना संग निज मयूरिया, अरे दूसरा धोखा कैला उनका गुरु परसुरा, जानत हो धोखा का कैलन कुल विद्या दहले के बाद में जान गईलन की छत्री है उजोन गुजर वाली कहानी एक अलग रहा धोखा ई कह दलन कि हमारी दी हुई शिक्षा तुम्हें मौके पर काम नहीं करेगी जाओ। आप लोग समझत जा धोखा कौन कौन हो। आ तीसरा धोखा कैला उनसे भीष्म करिए लनावा, चौथा धोखा किया उनसे शल्य रथिवान, कई रोज तक जब तब उसके पास अमोघ शक्ति थी लड़ता था बार बार इशारा करता था शल्य रथिवान से कि ले चलो अर्जुन के रथ के सामने मेरी रथ, लेकिन दिन भर रथ घुमाता रहा अर्जुन का सामना नहीं होने दिया। और आज रात के इतनी गर्मी में जौन बात हम अपन अमोघ शक्ति भी गंवा देवे पड़ल कहना हो काम। अरे पचवा धोखा उनसे इंद्र कैला भगती में, अरे छठवा धोखा कैला उनसे कृष्ण भगवान, अरे सातवा में धोखा कैला अर्जुन बाला करिया, पहिया धसल मरल छतरी में बार, अथवा धोखा कृष्ण दांत मांग गईल दानावा, एक मित्र दुर्योधन था जिनका महान, अरे मर गईल कर्ण लाश हाथ पजरावल, कृष्ण भगवान गुजरात दरम्यान, अरे विजय भैरव पांडरों में युधिष्ठिर जवानावा, पुरखर के
अपने देवा चलना पिंडा दान फाल्गु नदी के भैया पहुंचे किनारावा अरे पिंडा दान करने युधिष्ठिर जी महान सबके पिंडा दान कहके चले जब घरावा अरे बोली कुंती कह के तू दे दा पिंडा दान कुंती इशारा करती है पिंडा दान दे दाम बचवाम अब ही एक चीज बच गल बा कौन चीज बच गल बा इशारा करत बा ताकि कर रहला बेटा तोहर बड़का बिरनवा भेदवा छिपवाली हम जाने अपमान बोला सबके पिंडादान दे भिला हाँ नहीं कर्ण के पिंडादान के दी कहा वो तो सूत पुत्र रहल कुंती रोवे लगलिन कहीं नहीं उतार बड़ भाई रहलन हमार बेटवा रहलन क्रोध में भेलन युधिष्ठिर जी के आंख से आंसू चुअत हो कहल बहुत बड़ी भूल बहुत बड़ी गलती कैलू रोवत फोन कहल में कहा क्रोध में मास्टर तब युधिष्ठिर कहने कैसे करबा पिंडा दानवा भैया के अपने ममता में आग लगा वालू भैया के हाथ मारी तुम्हारा बाबालू कैसे चूमी हम चरनावा भैया के अपने देता हूँ मैं श्राप हे माय अब कौनो चुक भी यही है बात के हूँ के जग में नारी दिल में नहीं पचई है यह हमार श्राप हो बाबा का कौनो चुगे भाई मेहरारू कौनो बात अपने पेटे में रखी न सकेली बाबा जैसे तू इतना बड़ियार धोखा रख के अपने पेट में और हमहन के हाथे यमन के भाई के बध करवा दे लू कौनो जुग में अब कौनो मेहरारू ऐसा नहीं करी हन ना बात पचा पई हन इशारा कहन कि देता हूं मैं श्राप हे मां जब कौनो जुग भी यही है बात कहूं का जगह में नारी दिल में नहीं पचई है होई है जगह जाहिर कथा नावा भैया के अपने गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मोर बांका स्वर्गीय चंद्रिका कवि बच्चन का विजय पताका समीक्षा की जरूरत है नहीं विजय प्यारे लाल भगवान की सफल परीक्षा समीक्षा की जरूरत है बाबा जोगिया हो राम
सुपर कैसेट टी सीरीज की ओर से विजयलाल यादव और साथियों की आवाज में एक आध्यात्मिक गीत हमारे बड़े भाई प्यारेलाल कवि जी ने हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे आवाम में जो एक बहसत की हिंसा भड़क गई है इसको देखते हुए कवि जी ने लिखा है, जरा गौर फरमाएंगे कि जग में यह जीवन अनमोल मूरख अब से अखियां खोल कर ले राम भजन हो जाए बेड़ा पार भजन भाव भक्ति भजन एक शक्ति ऐ दुनिया वालों भजन एक युक्ति जो सतपथ दिखाए भजन एक कश्ती कौन कश्ती नैया में का नहीं वो जिंदगी का कश्ती वो जीव का कश्ती जौन जीव उद्धार होखे बदे ऋषि मुनि पहाड़न की गुफा में बैठ बैठ के हजारों हजारों साल तपस्या कैलन भजन एक कश्ती भजन एक हस्ती भजन एक मस्ती हृदय से जोगाए करोड़ों की चाहत में आहत है जीवन भला कैसे राहत माया भव सिंधु की धार इतनी अगम है अधम जीव तब पार कैसे हो जाए कवि जी कहत हूं भव सिंधु की धार इतनी अगम है अधम जीव तब पार कैसे हो जाए केहू धन लुटावेला केहू दान करेला केहू गरीबन के देख के दुखित हो जाला दुखी आदमी के देख के दुखित हो जाला केहू सुखी आदमी के दुख पहुंचावे में ओके सुकून मिलेला ए पीढ़ी में वैसन आदमी के ए धरती पर अगर राक्षस का उपाधि देहल जाए रावण के खानदान के बतावल जाए तो कम नहीं हो इशारा हो ए आवाम के कवि जी लिखत हूं एक भजन का भाव बान रे मन पंछी हरि नाम भजो रे मन पंछी हरि नाम भजो तन मन से सिया पर नाम भजो अरे दिल में सतगुरु का ध्यान करो अधम मन जल्दी जोग में तप में साधना में वंदना में अर्चना में रमता नहीं है लेकिन चेतावनी है दिल में सद्गुरु का ध्यान करो दिल में सद्गुरु का ध्यान करो दिल में सद्गुरु का ध्यान करो अरे कुछ दया धर्म कुछ दान करो सतनाम तुसुबहो शाम भजो सतनाम तुसुबहो शाम भजो तन मन से सिया पर राम भजो सतनाम तुसुबहो शाम भजो
आठो आम भजो, अरे आम तो आठो आम भजो, अरे आम तो आठो आम भजो। माया भी धन ई दौलत ई काह, माया भी धन सब काला है, माया भी धन सब काला है, माया भी धन सब काला है। ओ, 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 अरे माया भी धन सब काला है, कुछ साथ न जाने वाला है, साथ न जाने वाला है, इसलिए ऐ मूर्ख हरि ओम तू आठो याम भजो, हरि ओम तू आठो याम भजो, तन मन से सिया पर राम भजो, लारे लारे लारे। एक दिन की बात, भजन गाते हुए साधु अलख जगाए, एक साधु बाबा भजन गावत चलन, भजन गाते हुए साधु अलख जगाए, गए एक गांव में मुखिया के द्वार आए, कहे मुखिया से कमाया में बुलायल बाटा, बाबा पहुंचे मुखिया से, कहो मुखिया जी, कहो हाँ जी ठीक बा, कहो खूब निमन बनी जी, मैंने कितना लूटा था नहीं तो ना भाई, मैं होते नहीं खे कुछ, अच्छा मत लूटी, लेकिन एगो चीज लुटावल जाता रउआ है के लूट ले, बाबा का चीज लुटावल जाता भाई, बाबा कह कहा मुखिया से कमाया में भुलायल बाटा, साथ न जाई कुछ के करे पर धधायल पाटा, बीतल बचपन जवानी बीतल मौज मस्ती में, बचल उम्र बीतवला मुखिया भजन भक्ति में, ए मुखिया जी हई उम्र जो बचले के भक्ति में बीतला, कहे मुखिया जी बाबा